इस समय हेरा फेरी सीरीज के तीसरे भाग को लेकर काफी ज्यादा चर्चाएं की जा रही हैं। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आज से कुछ दिन पहले ही यह खबर सामने आई थी, जिसमें यह बताया गया था कि अक्षय कुमार इस बार तीसरी फ्रेंचाइजी का हिस्सा नहीं होने वाले हैं। और इसके पीछे का कारण बताया गया था कि अक्षय कुमार फिल्म के स्क्रिप्ट से नाखुश थे। तो वहीं दूसरी ओर कुछ वजह यह भी बताई गई थी कि अक्षय कुमार ने मेकर से करीब 100 करोड़ रुपए की फीस मांगी थी। ऐसे में मेकर अक्षय कुमार की इस डिमांड को पूरा नहीं कर पाए, जिसका नतीजा यह हुआ कि अक्षय कुमार ने इस फिल्म को छोड़ दिया। हालांकि फेरी थ्री के छोड़ने के बाद अक्षय कुमार के चाहने वाले नहीं सिर्फ उनके रहे को स्टार सुनील शेट्टी भी काफी ज्यादा मायूस हैं। और उन्होंने इस बात की इन्फॉर्मेशन दी थी कि वो अक्षय को एक बार फिर से मनाने की कोशिश करेंगे। ठीक इसी कड़ी में एक बार फिर से सुनील शेट्टी का इस पर रिएक्शन आया है और इस पर उन्होंने अपना दुख भी जताया है। अभी हालिया में मीडिया इंटरेक्शन के दौरान सुनील शेट्टी ने बातचीत में एक बड़ा बयान दिया। दरअसल एक इंटरव्यू के दौरान सुनील शेट्टी से पूछा गया था क्या वो अक्षय कुमार को मिस करेंगे, क्योंकि दर्शकों को फिल्म में राजू यानी अक्षय कुमार और श्याम यानी सुनील शेट्टी केमिस्ट्री बहुत ज्यादा पसंद आती है। तो इस पर उन्होंने खुलकर बातचीत की। हुआ यूं कि अपनी वेब सीरीज धरावी बैंक के प्रमोशन के दौरान सुनील शेट्टी ने जवाब देते हुए इस बात को लेकर कहा कि अक्षय कुमार के फिल्म से बाहर हो जाने के बारे में जानकर मुझे झटका लगा है। इस दौरान आगे सुनील शेट्टी कहते हैं, जाहिर तौर पर मैं उन्हें मिस करूंगा और इरादा यही था कि राजू श्याम और बाबू राव एक साथ आने चाहिए, लेकिन जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं कि अगले सप्ताह ही मुझे पता चलेगा कि हम खड़े हैं या क्या हो रहा है। इससे पहले एक और बातचीत में सुनील शेट्टी ने कहा था कि वह इस डेवलपमेंट से खुश नहीं है और उन्हें इस बात से तकलीफ हुई है। सुनील शेट्टी का इस दौरान कहना था कि हमने 24 साल का बनवास काटा है और अगर फिर भी दिक्कत हो रही है तो तकलीफ तो होगी ही। सुनील शेट्टी ने यह भी कहा था कि इस बारे में मेकर्स और अक्षय कुमार के साथ बैठकर बातचीत करने की जरूरत है। सुनील शेट्टी ने यह भी बताया कि कार्तिक आर्यन फिल्म का राजू नहीं बल्कि कोई और किरदार निभा रहे हैं। वैसे देखा जाए हेरा फेरी 3 में अक्षय कुमार के बाहर जाने के बाद से ही विवाद भी शुरू हुआ। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो हेरा फेरी 3 से अक्षय कुमार के बाहर होने की बात तब सामने आई जब एक इंटरनेट यूजर्स ने परेश रावल से इस बात की पुष्टि करने के लिए कहा था कि वाकई कार्तिक आर्यन ने अक्षय कुमार को रिप्लेस कर दिया है। तो जवाब में परेश रावल ने इस पर हामी भर दी थी। इसके बाद से ही अक्षय कुमार ने एक बातचीत में कन्फर्म कर दिया था कि उन्हें हेरा फेरी 3 के लिए अप्रोच नहीं किया गया था, लेकिन उन्होंने स्क्रिप्ट ना पसंद आने की वजह से इस ऑफर को ठुकरा दिया। तो वहीं दूसरी ओर तमाम मीडिया रिपोर्ट्स में इस बात का दावा भी किया गया कि अक्षय कुमार ने फिल्म के लिए करीब 100 करोड़ रुपए का मेहनताना और प्रॉफिट में शेयर भी मांगा था, जबकि कार्तिक आर्यन ने इस फिल्म में काम करने के लिए महज 30 करोड़ रुपए में हामी भर दी थी। फाइनली प्रोड्यूसर फिरोज नाडियाडवाला ने कार्तिक के साथ जाने का सौदा माना, क्योंकि फिरोज नाडियाडवाला ये भी जानते हैं कि अक्षय कुमार की 2021 से लेकर 2022 तक कई सारी बड़ी फिल्में रही हैं, जिन फिल्मों का बुरा असर देखने को मिला, जिनमें सम्राट पृथ्वीराज जैसी बड़ी फिल्में भी शामिल रही। करीब 150 से 200 करोड़ इन सभी फिल्मों का बजट रहा, लेकिन फिल्म की कमाई को देखते हुए फिरोज नाडियाडवाला कभी भी अक्षय कुमार को 100 करोड़ रुपए की फीस नहीं देंगे और उन्होंने ये फैसला लेते हुए अक्षय कुमार को फिल्म से बाहर निकाल दिया। इतने नहीं बताया तो ये भी जा रहा है कि फिरोज नाडियाडवाला ने अक्षय कुमार को अपनी दो और बड़ी फिल्मों से भी बाहर निकाल दिया है और इन सभी खबरों ने अक्षय कुमार के चाहने वालों को झकझोर दिया है। ठीक आने वाले समय में अक्षय कुमार क्या बड़ा फैसला लेते हैं और अपने करियर को कैसे ऊपर उठाते हैं, ये देखना वाकई दिलचस्प साबित होने वाला है। लेकिन दोस्तों आप हमें बताएं कि हेरा फेरी 3 में अगर अक्षय कुमार नहीं होंगे तो क्या यह फिल्म चल पाएगी? अपना सुझाव जरूर दें नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन के जरिए।